पास काजू हैं ये शामिल कर दें, इस तरह लंबाई में कटे हुए ये शामिल कर दें। कमाल के लुक तरीके से तैयार करके दिखाया मैंने आपको, सीखा करें। ये देखें इस तरीके से इसको मिला दें, थोड़े से मेवे जात बचे हुए थे ये इसके ऊपर गार्निश करते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। रेसिपियों का सिलसिला जारी है, जदीद रेसिपी आप तक पहुंच रही हैं, आपकी दहलीज तक पहुंच रही हैं, आप सीखने वाले बने, अच्छे शेफ बने, ठीक हो गया। मैं अपना काम जारी रखे हुए हूँ, कोई क्या सोचता है क्या कहता है उसके बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने जवाब अल्लाह को देना है और मैं उसके उस हिसाब से आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। इंशाल्लाह काफी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हुआ हूं। बेरोजगारी के खात्मे का जो हमने मिशन शुरू किया हुआ था उसमें हमारी टीम कामयाब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बेसन का हलवा किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, ठीक हो गया। अब ये फ्लेम थोड़ा सा मीडियम है फिलहाल। ये आधा पाव घी, कोई भी घी ले लें आप, वो जो कहते हैं ना भी देसी घी का हलवा थे, वो मैं मुकम्मल गाइड करूंगा कि देसी घी का कैसे वो बनाते हैं। ये देसी घी नहीं है, ये सादा घी है, आधा पाव है। शामिल करते हैं कितने एमएल, 125 ml या ग्राम जैसे भी आप कह लें, इसमें डाल दें, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। घी मेल्ट हो गया, आँच को मैंने स्लो कर दिया, ये देखें दम वाली आंच से थोड़ी सी ज्यादा, बस इस आंच पे ये पकेगा, ठीक हो गया। 250 ग्राम बेसन या एक पाव बेसन जैसे आप समझ लें, 250 ग्राम बेसन शामिल कर दिया इसमें हमने, इसको अच्छे तरीके से भून लें। लेकिन ये कैसे भूनेगा, जब आपकी आंच स्लो होगी, तेज आंच पे इसको पकाने की या भूनने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे नहीं संभलेगा, खराब हो जाएगा, ये बात ध्यान में रहे। अब इसको मैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता भूनता रहूंगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट में भूनूंगा। तब तक ये मेरे पास चीनी है 100 ग्राम, इसको मैं इस जार में डाल के इसको क्रश कर लेंगे, हमें पाउडर चाहिए, ठीक है। इसमें डालने लगे हैं, इसको क्रश करने लगे हैं आपके सामने 100 ग्राम चीनी को। थोड़ा सा मैंने 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको इस तरह इसके बेसन को भून लिया। ये कई दफा शक्लें चेंज करेगा हलवा बनते हुए, ये जहन में रहे। अभी ये लिक्विड है, ये हार्ड होगा, फिर ये लिक्विड की तरफ जाएगा, ये आपके जहन में रहे, टेंशन ना लिया करें। 4 टेबल स्पून सूजी इस टाइम पे शामिल कर दें, 4 टेबल स्पून, और इसको इस अच्छे तरीके से इस तरह इसमें मिक्स कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बीच में पकाते रहें या भूनते रहें, जो भी आप कहते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से ऐसे भून लें। ये लीजिए तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया इस तरीके से। अब ये देखें कंडीशन इसकी, ये हार्ड होना शुरू हो गया है। मज़ीद मैंने इसको 2 से 3 मिनट पका के, और आँच मेरी स्लो है, आँच किसी भी प्रोसेस में तेज़ नहीं होगी, ये बात आपके जहन में रहे। इसको स्लो आंच पे मैं 2 से 3 मिनट और पकाऊं, इसको मजीद थोड़ा सा हार्ड कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। मैंने किसी भी प्रोसेस में इसकी आंच को तेज नहीं किया। 100 ग्राम चीनी जो हमने क्रश की थी, ग्राइंड की थी, वो शामिल कर दें और इसके अंदर मिक्स कर दें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, या हार्ड होगा, हार्ड होने के बाद फिर ये नरम हो जाएगा, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, ये कई शक्लें चेंज करेगा, ठीक हो गया। अभी ये हार्ड हो गया शुगर डालने से, अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी, मेल्ट होगा और फिर ये उसी कंडीशन में आ जाएगा। हमने इसके अंदर किसी चीज़ का पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक हो गया। इसको 3 से 4 मिनट इस तरीके से मज़ीद में पका लूँगा। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया अभी, ये लें तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद चीनी डाल के इसको पका लिया। इस टाइम पर आके 1 गिलास पानी का है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर, ठीक हो गया, और इसको मिक्स कर दें ऐसे आराम आराम से। आँच स्लो है, ये बात जहन में रहे, किसी मौके पे भी आँच को तेज नहीं करना, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस टाइम पे आके आप इसके अंदर कोई कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर, केसर का कलर, कुछ भी, इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये इलायची असेंस है, ये मार्केट से मिल जाता है, 2-3 ड्रॉप ये डाल दें खुशबू के लिए, और थोड़ा सा मैं आज इसके अंदर ये येलो कलर डालने लगा हूँ। आप कोई भी शामिल कर सकते हैं जिस कलर का आपको पसंद हो, थोड़ा सा ये डाल दें और इसको स्लो आँच पर इस तरीके से मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये जी जब मैंने इसको 3 से 4 मिनट मजीद पकाता रहा, इसने पैन को कढ़ाई को चम्मच को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ये इसकी निशानी है, ये कंप्लीट हमारा तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके जब ये पैन कढ़ाई छोड़ने शुरू कर दे, ये मेरे पास देसी घी है 2 टेबल स्पून। इस टाइम पे आके 2 टेबल स्पून देसी घी इसमें शामिल कर दें, और इसके साथ देसी घी के साथ ये तिल है मेरे पास, ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून बनते हैं, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास काजू हैं, ये शामिल कर दें। आए हाय, या जितना आप पसंद करते हैं उतने भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास बादाम है, ये इस तरह लंबाई में कटे हुए, ये शामिल कर दें और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। घी भी मेल्ट हो जाए और देसी घी की जो खुशबू है वो भी इसमें आ जाए। उसके 1 से 2 मिनट में इसको और पकाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। घी और मेवे डालने के बाद, देसी घी और मेवे, सिर्फ देसी घी का टच होता है इसमें बस, डालने के बाद हमने इसको 1 से 1.5 मिनट पकाया बस। इसके बाद इसकी फ्लेम को बंद करने लगे हैं, इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल की लुक, कमाल का टेस्ट, मेवे वाला बेसन का हलवा किस तरीके से तैयार करके दिखाया मैंने आपको, आप ट्राई किया करें घर में, सीखा करें। ये देखें इस तरीके से इसको फैला दें, इसको यहाँ पे ले आए। ये जो बकाया थोड़े से मेवे जात बचे हुए थे, ये इसके ऊपर गार्निश करते हैं इस तरीके से, बादाम और काजू। आप कोई मेवे भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लें जी, बेसन का हलवा किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल गाइड कर दिया, आप घरों में ट्राई करें, खाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर किया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। हमारी हौसला अफजाई होती है आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।